नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, जब से जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ है, उस दिन से लेकर अभी तक जो है फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट की भर्ती नहीं हुई है। और रिसेंटली में यहाँ पे जो है एक विज्ञापन यहाँ पे जारी हुई कि बहुत जल्द जो है फार्मेकिस्ट की पोस्ट की यहाँ पे भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर का जो वर्क होता है, जो राज्य के जो दवाई दुकान होते हैं उसमें जो है जांच पड़ताल करना या फिर निरीक्षण करना, यही जो है जो फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की यहाँ पे वर्क होती है। इससे पहले जो है यहाँ पे जब तक जो फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई है, इससे पहले जो राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वही जो है इसका निरीक्षण करते थे। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो फार्मेकिस्ट लोग होते हैं, ये लोग जो है अपने नाम पर जो है एक से लेकर ज़्यादा यहाँ पर जो है शहरों में जो है अपने दवाई दुकान यहाँ पर ओपन कर ली है, जिस कारण जो है ये लोग जो रूल होती है कि एक फार्मेकिस्ट का जो है एक ही दवाई दुकान होनी चाहिए, एक ही लाइसेंस यहाँ पे जो है मिलती है। लेकिन ये लोग जो फार्मेकिस्ट लोग होते हैं, एक से लेकर जो है दो तीन चार पाँच ये सब जो है दवाई दुकानें ओपन कर ली है। ठीक है, और यही सब की निरीक्षण करने के लिए जो है राज्य में बहुत जल्द जो है यहाँ पर फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जाएगी, सैलरी आपको यहाँ पे क्या रहने वाली है, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी प्रकार की भी इम्पॉर्टेंट नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाए करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आज की न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई कि राज्य में दवा दुकानों की निगरानी के लिए नियुक्त होंगे फार्मेसी इंस्पेक्टर, तो जो झारखंड राज्य के जो दवा दुकान हैं इन सभी की निगरानी के लिए जो है फार्मेसी इंस्पेक्टर के जल्द से यहाँ पे नियुक्ति होगी। ठीक है, आगे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मेंशन की गई कि राज्य में दवा दुकानों की निगरानी के लिए फार्मेसी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र ही करेगी। पहले चरण में सभी जिलों के लिए एक एक फार्मेसी इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी, इसके बाद जो है संख्या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो झारखंड राज्य के जितने भी सारे जो जिले हैं इसमें जो है पहले चरण में सभी जिलों के लिए एक एक फार्मेसी इंस्पेक्टर की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, इसके बाद जो है पदों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, नियुक्ति से संबंधित फाइल जो है झारखंड फार्मेसी काउंसिल द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने फार्मेसी काउंसिल को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी किन किन जिलों में फार्मेसी इंस्पेक्टर का पद खाली है। गौरतलब है कि राज्य में फार्मेसी इंस्पेक्टर का काम भी जो है ड्रग इंस्पेक्टर ही देखते हैं, तो अभी तक जो है फार्मेकिस्ट के यहाँ पे भर्ती यहाँ पे नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण जो है इन सभी का जो निरीक्षण होती है, जो जांच पड़ताल होती है, जो दवा दुकानों की, जो राज्य के जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वही जो है अभी तक यहाँ पे देखते थे। नियमानुसार यह सही नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर का काम सिर्फ दवाओं का निरीक्षण करना है, उनकी गुणवत्ता की जांच करना भी है। फार्मेसी इंस्पेक्टर नहीं होने के कारण जो है दवा दुकानों में भी फार्मेकिस्ट की मौजूदगी की जांच भी यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर को ही यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे प्रकाशित की गई है। तो बहुत जल्द जो है यहाँ पे झारखंड राज्य में फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की यहाँ पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जाएगी, कौन से कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप फार्मेकिस्ट पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रखे होंगे, जो रिलेवेंट फील्ड में अगर आपकी जो है ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण हुए होंगे तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे फार्मेकिस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे जो है 44,900 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अगर आप जो फार्मेकिस्ट पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो। एज की जो क्राइटेरिया आपको रखी गई है, मिनिमम आपकी यहाँ पे जो है न्यूनतम अगर आपकी 21 ईयर्स यहाँ पे एज की क्राइटेरिया होगी एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपर एज में आरक्षण दी जाती है, तो आप बिल्कुल जो है अपर एज में आरक्षण ले सकती हैं।